ऑलराइट वेलकम बैक गाइस टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ ड्रीमिंग सॉकर 2024। तो गाइस आई होप पिछले हफ्ते का इवेंट सबके अच्छे निकले होंगे एंड सभी ने 9 विन तो निकाले ही होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं तो विन नहीं कर पाया, बट उम्मीद करता हूँ आप सभी को लेजेंडरी एजेंट तो मिले ही होंगे। हमारा कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, तो आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर जाके शेयर कर सकते हो पिछले हफ्ते के इवेंट के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पिछले हफ्ते इवेंट में हमें 9 टीम्स देखने के लिए मिले थे एंड उनमें से सारे टीम्स के लेवल एक दूसरे से थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे एंड उनके प्राइजेस भी क्लब्स एंड टीम्स के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए थे, ठीक है। बट इस हफ्ते के इस इवेंट में आपको वैसा सिनेरियो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर मामला पूरा का पूरा ही उल्टा है। यहाँ पे आपको 6 टीमें देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कम्पिटिटिव टीम्स हैं। 6 टीमें एकदम से एक दूसरे से बराबरी कर सकते हैं, ऐसे टीम्स है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है कि कौन से क्लब्स या टीम्स को सिलेक्ट करें टू इन दिस इवेंट। तो इसीलिए गाइस ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो एंड आप लोग सही टीम चुनो कि आप इस इवेंट को जीत पाओ। तो यहाँ पे जो कि 6 टीम किए गए हैं, बार्सिलोना, इंटर मिलन, आर्सेनल, लिवरपूल, एसी मिलन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी सारे के सारे रूल्स एक ही जैसे होंगे। इस इवेंट को जीतने के लिए गाइस आपको जो विंस टारगेट दिए गए थे पिछले हफ्ते वो सेम ही रहेंगे, 5 विंस, 7 विंस एंड 9 विंस, सेम रूल यहाँ पे होगा। बट यहाँ पे प्राइजेस डिफरेंट दिए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई है इस बार, 3170 कॉइंस का एंड एक लेजेंडरी एजेंट, देन रेयर टेक्निकल कोचेस एंड अ कॉमन कोचेस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइजेस में बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इस इवेंट को एंटर करने के लिए 330 कॉइंस भी लगेंगे जो कि बहुत ज्यादा है पिछले हफ्ते से। बट जो कि मेन चीज है, हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो का, सही टीम चुनना, ठीक है। मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि कौन सा टीम आप लोगों को चुनना है, आप खुद डिसाइड करोगे कि कौन से टीम्स को आप चूज करोगे, कौन से टीम्स को चूज करके आप इस इवेंट को जीतना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं बस यहाँ पे सारी टीम्स की स्क्वाड दिखाऊंगा आप लोगों को, कौन कौन से टीम्स में कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, कौन कौन से स्टार प्लेयर्स अवेलेबल है एंड कौन कौन से स्ट्राइकर्स, डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स एंड बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल है। कुल मिला के हर एक टीम में कौन कौन से बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल है वो आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप इस हिसाब से आपको डिसाइड करना कि कौन से टीम्स को आप चूज करोगे एंड चूज करना चाहिए आप लोगों को इस इवेंट को जीतने के लिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो।